वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे एलएलबी हो, बीकॉम हो, सीए सीएस या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री हो। सारी प्रोफेशनल डिग्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एलएलबी के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमने देखा है कि मोस्टली ये 20-30 मार्क्स का ये जो एक अलग से एरिया है ये कवर करता है, लेकिन बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। तो आज हम इसके लिए जिक्र कर लेते हैं, इसका डिस्कस करते हैं। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पहली तो बात ये कि इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ये एनएक्ट हुआ था 1986 में। और इसकी बहुत सी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे ऑथर्स ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशन दी गई है, लेकिन जो हम डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो क्या कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में, आज वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये डेफिनेशन है फ्रेंड्स, अपना पेन और अपना रजिस्टर लेकर बैठ जाइए और आप इसको पोज करके नोट भी कर सकते हैं। देखिए, The Consumer Protection Act 1986 to provide for better protection of the interest of consumers, यानी कि हमने ये सीखा कि जो Consumer Protection Act है ये बनाया गया किस लिए बनाया गया, for better protection of consumers या customers interest, यानी कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, यानी कि उनको उनके जो राइट्स हैं, कंज्यूमर के पास जो राइट्स हैं, यानी कि कंज्यूमर के पास जो फायदे हैं उनको बचाने के लिए। किस चीज से बचाना है कंज्यूमर को दोस्तों? कंज्यूमर को बचाना है अनफेयर ट्रेडिंग से, और कंज्यूमर्स को बचाना है कॉम्पिटेटिव प्राइस से, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझा जाए तो हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, कंज्यूमर के राइट्स को बचाना है अनफेयर ट्रेडिंग से, यानी कि कंज्यूमर को मार्केट में लुटने पिटने से हमें बचाना है। एंड फॉर दैट पर्पस, और इसी पर्पस के लिए, टू मेक प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब यहां पर कुछ एस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ने, ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स, यानी कि क्या एस्टेब्लिश किया, कंज्यूमर काउंसिल्स को एस्टेब्लिश किया यहां पर गवर्नमेंट ने। दोस्तों कंज्यूमर, ये जो कंज्यूमर काउंसिल्स हैं और ये जो अदर अथॉरिटीज हैं जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, चैनलाइज किया है, कि ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर्स डिस्प्यूट, यानी कि कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। यानी कि कंज्यूमर की, कंज्यूमर को हमने एक ऐसा राइट दिया, हमने एक ऐसी उसको पावर दी कि अगर उसके साथ कुछ भी अनफेयर हो रहा है तो उसके इंटरेस्ट को वहां पर बचाया जा सके। यानी कि एक ऐसी हमने बॉडी जो बनाई, गवर्नमेंट ने एक ऐसी बॉडी बनाई है जहां पर कंज्यूमर को बचाया जाएगा, यानी कि कंज्यूमर की बात फरियाद सुनी जाएगी, जो भी मैटर है, जो भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स हैं, फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, यानी कि किसी भी तरह के कंज्यूमर के साथ अगर धोखाधड़ी हो रहा है तो उन पे यहाँ पे इन जो भी बॉडीज बनाई गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उन पे विचार विमर्श किया जाएगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, इसी एक्ट के तहत कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स मिले हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ था अमेंडमेंट 2002 में, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। 2002 में इसको इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे ताकि कंज्यूमर्स को और ज्यादा पावर मिल सके और ज्यादा राइट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स दोस्तों, ये था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको किसी सर्टेन टॉपिक में या किसी खास टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आगे और वीडियोस बना सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोज को शेयर करके। फ्रेंड्स याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोज को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे।
फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।